वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस एंड फिजिक्स इज ऑब्वियसली फॉर क्यूरियस वंस। मैं मोनिका श्रीवास्तव थर्मोडायनेमिक लेक्चर सीरीज में आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप सभी के लिए एक गुड न्यूज, या यूं कह लीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपको आज पता होनी चाहिए। ये पब्लिक नोटिस है जो 15 मई यानी आज की डेट का है। CSIR नेट जून 2020 एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो चुकी है फॉर्म भरने की। पहले ये 15 मई तक थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। तो मेरे जो फ्रेंड्स, जो सीनियर्स, जो जूनियर्स और जो स्टूडेंट्स और आप सभी में से कोई भी जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, अब भर दीजिए, 15 दिन और इसे बढ़ा दिया गया है। चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं थर्मोडायनेमिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार नेट, गेट, जेस्ट, आईआईटी, जेम, बीएआरसी एटसेट्रा फिजिक्स बेस्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट से हैं, बहुत वेटेज रखते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि इन सभी क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को आपके लिए इजी वे में शो कर पाऊं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन वन से। अ गिवन क्वांटिटी ऑफ ए गैस इज टेकन फ्रॉम द स्टेट ए टू सी बाय टू पाथ्स। ए टू सी स्टेट तक जाने के दो पाथ हैं, ए टू सी डायरेक्टली एंड ए टू बी एंड बी टू सी इज द सेकेंड पाथ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू सी वर्क डन बाय द गैस इज 100 जूल एंड हीट एब्जॉर्ब्ड इज 150 जूल। इफ ड्यूरिंग सेकेंड प्रोसेस वर्क डन बाय गैस इज 30 जूल देन द हीट एब्जॉर्ब्ड इज। हमारा क्वेश्चन ये है कि दो प्रोसेस दे रखी है आपको, ए टू सी जा सकते हैं या ए टू बी एंड बी टू सी जा सकते हैं। ए टू सी हम जाते हैं तो वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू दे दी, बट जब सेकंड प्रोसेस से हम जाते हैं तो हमें वर्क डन तो पता है और जो हीट एब्जॉर्ब्ड हुई उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स नेट 2013 में पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हो जाएगा। तो देखिए, डब्ल्यू ए सी और क्यू गिवन है, हमें पता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहां से डी यू को इधर ले आए तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और डी यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है फॉर ए सी पाथ। ये आ गया आपका 50 जूल। वर्क डन बाय द गैस इन सेकेंड पाथ इज 30 जूल यानी ए टू बी एंड बी टू सी। वापस वही फॉर्मूला लगा दीजिए, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एंड यहां से आ गया डी यू अभी आया 50, डेल्टा डब्ल्यू 30, तो डी डेल्टा क्यू क्या आ गया आपका 80 जूल। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि दोनों ही प्रोसेसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है, क्योंकि ये ए टू सी एक पाथ से दूसरे पाथ तक जाने के ही दो रास्ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस पैटर्न का क्वेश्चन गेट में भी आता है, आईआईटी जेम में भी आता है और सीएसआर नेट जेआरएफ में तो हमेशा ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन टीएफआईआर में भी आ सकता है, बीएआरसी में भी पूछे जाते हैं। इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिक 11th 12th थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बट जब हम बेसिक ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, हाई लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते टाइम, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी हमारे लिए उस समय हार्ड हो जाता है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मच हीट इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आर गिवन। क्वेश्चन ये है कि आपको -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो 1 kg आइस है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में चेंज करना है, और इसके लिए आपको कितनी हीट चाहिए। ठीक है, चार ऑप्शन हैं, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मैं इसी तरह से करती हूं, आप लोग भी इसी तरीके से किया कीजिए। देखिए, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है,
सॉलिड फॉर्म। जब हम इसको गर्म करना चालू करेंगे, इसे हीट देना चालू करेंगे, तो सबसे पहले -10 से टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तब तक इसकी फॉर्म क्या रहेगी? सॉलिड ही रहेगी, ये आइसी रहेगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने में इसको अपनी स्टेट या फेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये नॉर्मली स्पेसिफिक हीट से ही हमारा काम हो गया, ठीक है। अब देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होगी। 0 डिग्री पर ही ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी यहां पर आ गई लेटेंट हीट, ठीक है। चलिए थर्ड प्रोसेस में चलते हैं। यहां 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये वाटर ही रहेगी, हीट देते गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आ गया, बट फेज चेंज नहीं हुई, तो अगेन स्पेसिफिक हीट। और अब क्या होगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर से वेपर में चेंज हो जाएगी, तो यहां पर फिर से क्या आ गई, लेटेंट हीट। तो 4 प्रोसेस हुए, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। इसका मतलब चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन हीट ड्यू टू स्पेसिफिक हीट MCV डेल्टा टी, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से जब लिक्विड में जाती है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है। थर्ड, अगेन स्पेसिफिक हीट, एंड फोर्थ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन MLVAP, क्योंकि वाटर से क्या बन रही है, वेपर बन रही है। अब देखिए DT यानी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कहां से कहां तक हो रहा है, -10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इंटीग्रल कर दिया -10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दिख रहा होगा आपको ये थोड़े से ऊपर नीचे वर्ड्स हो गए हैं, क्योंकि जो मेरा टाइपिंग का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज है, मैं ये लैपटॉप में टाइप करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एंड यहाँ भी हमने क्या किया, चेंज इन टेम्परेचर, तो यहां पर टेम्परेचर चेंज होएगा 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी हो गया इंटीग्रल 0 डिग्री सेंटीग्रेड to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो चलिए अब इन सभी को सॉल्व कर लीजिए। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे और वैल्यूज रखेंगे, L फ्यूजन एंड L वेपराइजेशन फॉर वाटर मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूं, आप वहां से इनकी न्यूमेरिक वैल्यू रखकर जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चेंज इन हीट या दैट हीट दैट नीडेड टू कन्वर्ट द आइस इनटू वेपर इज दिस 1304 2.90 किलो जूल, और इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन ए इज द राइट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, consider an ideal gas of mass m at temperature T1 which is mixed isobarically yani at constant pressure with an equal mass of same gas at temperature T2 in a thermally insulated container. What is the change of entropy of the universe? Universe ki entropy mein change kitna hoga, and 4 option aapko de rakhe hain. Question ye hai ki m mass ki temperature ko m mass ki ek ideal gas ko T1 temperature pe manna hai, जिसे M मास की ही दूसरी गैस के साथ T2 टेम्परेचर पे मिलाना है एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में, और हमें बताना है कि चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी। तो देखिए, लेट्स कंसीडर फाइनल टेम्परेचर विल बी T, मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर होगा T, तो सबसे पहले फर्स्ट जो है गैस उसका टेम्परेचर T1 से T जाने के लिए, तो चेंज इन हीट हो गया या स्पेसिफिक हीट MC डेल्टा टी T1 माइनस T, और दूसरी गैस का T से T2 तक जाने के लिए, जहां T क्या है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। डेल्टा S क्या होता है हमारा, डेल्टा S का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन T। अब आइसोबारिक प्रोसेस है तो डेल्टा Q क्या होगा, MCP डेल्टा T होगा डेल्टा Q। नाउ डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, डेल्टा S1 डेल्टा S2 की वैल्यूज रख दी, इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया, एंड MCP देखिए जब हम लॉग में प्लस आ जाए उसको सॉल्व करते हैं तो वो इनटू में आ जाता है, और MCP दो है तो यहाँ 2 MCP आ गया,
और इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ये बिल्कुल ऐसा आंसर आएगा, मींस टू एंड हाफ के इसमें मर्ज करने से जो हाफ था आपका वो तो अंडर रूट बन गया और जो ये वाला टू था वो यहां आ गया। समझिए, जब आप इसको और अच्छे से कन्वर्ट कर लेंगे तो ये इस फॉर्म में बनेगा, क्योंकि टू यहाँ लॉग के ऊपर आ जाएगा और टी क्या है अपना, टी वन प्लस टी टू बाई टू वैल्यू रख दी तो हमारे पास आंसर आ गया टू एम सी पी एल एन टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट टी वन बाय टी टू, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, एल एन टी वन प्लस टी टू अपॉन टू अंडर रूट टी वन बाय टी टू। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर विच गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स सीपी अपॉन सीवी विल बी लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन जस्ट 2014 में आया हुआ है, ये मैंने कुछ सॉल्व्ड ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन उठाकर एज इट इज यहाँ पेस्ट किया है। इसके चार ऑप्शंस हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड हेक्सा एटॉमिक। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, दैट इज मोनो एटॉमिक। स्पेसिफिक हीट सीपी अपॉन सीवी का जो रेशियो होता है ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए लार्जेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये फॉर्मूला ये हमने पहले भी पढ़ा है, Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन F। मोनोएटॉमिक के लिए F 3 होता है तो 1 प्लस 2 बाय 3, कंपैरेटिवली डायएटॉमिक के लिए F 6 होता है तो 1 प्लस 2 बाय 6 कम हो गया, ट्राईएटॉमिक 2 बाय 9 और भी कम, हेक्साएटॉमिक 2 बाय 18 और भी कम, यानी कि हाईएस्ट किसका हो गया, मोनोएटॉमिक का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, एन आइस मेकिंग प्लांट प्रोड्यूसेस आइस एट नॉर्मल एटमोस्फियर प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम वाटर। पानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक आइस मेकिंग प्लांट आइस बना रहा है। द मीन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, इवेल्युएट द मिनिमम इलेक्ट्रिकल वर्क इन किलोवाट। आपको निकालना है मिनिमम इलेक्ट्रिकल वर्क टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ आइस, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 1 एटमोस्फियर प्रेशर इज गिवन एंड द 4 ऑप्शंस आर हियर। देखिए आपको 2 टेम्परेचर्स दे रखे हैं, हाई टेम्परेचर TH या QH 18 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लो टेम्परेचर यानी कूल टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ कूल रिजर्वायर, कूल रिजर्वायर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को आपने केल्विन में चेंज कर लिया। QC क्या होता है हमारा, MLF, तो हमने फॉर्मूला लगाया और वैल्यू निकाल ली। अब हमने पढ़ा है कि जब हम हीट इंजन काम में लेते हैं तो हम नीटा एफिशिएंसी को नीटा से डिनोट करते हैं, और जब हम रेफ्रिजरेटर्स की बात करेंगे तो एफिशिएंसी को कप्पा से डिनोट करेंगे, तो हियर कप्पा इज QC अपॉन W। मिनिमम इलेक्ट्रिकल वर्क पूछा है तो हमने W मिनिमम लिख दिया, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूले मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूं, कहां से आए ये भी बता चुकी हूं, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड डिराइव द आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आंसर आ जाएगा 6.10 किलोवाट आवर, ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 6, An ideal gas is compressed adiabatically from an initial volume V to a final volume alpha V, and a work done W is done on the system in doing so. एक गैस को इनिशियल वॉल्यूम V से फाइनल वॉल्यूम alpha V तक adiabatically कंप्रेस किया गया, ऐसा करने के लिए सिस्टम पर वर्क किया गया, तो द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस विल बी, तो गैस का जो फाइनल प्रेशर होगा वो क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये फॉर्मूला होता है, याद हो गया होगा क्योंकि हम इस फॉर्मूले को बहुत बार काम में ले चुके हैं, पहले वीडियो लेक्चर्स शुरुआत से हम एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एटसेट्रा एटसेट्रा प्रोसेसेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं और उन्हीं फॉर्मूलों को बार बार काम में ले रहे हैं। और एडियाबेटिक
प्रोसेस के लिए एक स्टेट इक्वेशन ये भी होती है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब P2 V2 की पावर गामा इक्वल्स टू P1 V1 की पावर गामा। यहां से P1 की वैल्यू V एंड P की फॉर्म में निकाल ली। V2 upon V1, देखिए V1 तो क्या है इनिशियल वॉल्यूम जो कि है V, और V2 क्या है फाइनल वॉल्यूम जो कि है अल्फा V। तो V2 upon V1 जब करेंगे तो अल्फा V upon V क्या बच गया आपके पास, सिर्फ अल्फा बच गया। तो यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट वैल्यू अल्फा पुट कर दी। तो देखिए P1 की जगह हमें इस फॉर्मूला में P2 अल्फा गामा रखना है। वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हियर इज द आंसर। सो विच ऑप्शन इज द राइट वन? ऑप्शन सी इज द राइट वन। ओके चलिए नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम नेसेसरी टू फ्रिज 2 kg ऑफ वाटर एट 0 degree centigrade? 0 degree centigrade पर 2 kilo वाटर को जमाने के लिए, फ्रिज करने के लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम कितना चाहिए? जब 50 वाट की मोटर अवेलेबल है और जो एयर है फ्रिज के बाहर दैट इज 27 degree centigrade हॉट, और 4 ऑप्शंस हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए वर्क रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है तो W upon Q इक्वल्स टू कप्पा, और उसकी वैल्यू ये है TH minus TC upon TC। H here इज फॉर हॉट टेम्परेचर एंड C इज फॉर कोल्ड टेम्परेचर। QMLF फ्यूजन ऑब्वियसली, क्योंकि हमें वाटर को जमाना है यानी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो जो QC होगी वो फ्यूजन यानी लेटेंट हीट की टर्म्स में होगी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहां पर आपके पास W आ गया यानी कितना काम किया, हमें निकालना है कि कितना टाइम लगा। हमें पता है पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, एंड टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया वर्क अपॉन पावर। वर्क पता है, पावर गिवन है, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा 1.31 kilo second यानी 1.3 × 10³ second। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए वेसल हैज 2 compartments ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V2 कंटेनिंग एंड आइडियल गैस एट प्रेशर्स P1 एंड P2 एंड टेम्परेचर्स T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। इफ द वॉल सेपरेटिंग द कंपार्टमेंट्स इज रिमूव्ड द रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी। हमें रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पता लगाना है। देखिए ये क्वेश्चन है मिक्सिंग का, तो जब मिक्सिंग होती है तो मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूं, आप हमेशा ध्यान रखिए। जब दो गैसों की मिक्सिंग होती है उनके बीच पहले कंपार्टमेंट होता है फिर उसे रिमूव कर देते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है। अगर एंट्रोपी चेंज पूछे तो क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाए थे, आप वैसे कीजिए। बट यहां पे पूछा है टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो वॉल्यूम जो होता है मिक्सिंग का वो दोनों के सिंपल एडिशन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स भी सिंपल एडिशन के इक्वल होते हैं, और इंटरनल एनर्जी भी, एनर्जी भी सिंपल एडिशन के इक्वल ही होती है। तो इन सभी को कंसीडर करते हुए देखिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, तो एन इक्वल्स टू N1 + N2 है, तो P1V1 upon T1 + P2V2 upon T2 लिख सकते हैं हम, एंड U इक्वल्स टू U1 + U2 है तो ये भी लिख सकते हैं, NCVT1 + N2CVT2 = NCVT। यहां से आ गया आपके पास N1T1 + N2T2 = NT, क्योंकि CV कट गया, कांस्टेंट लीजिए और काट दीजिए। यहां से T इक्वल्स टू क्या हो गया, इसके अपॉन में N आ जाएगा F, तो N1T1 + N2T2 की वैल्यू ये रही, ठीक है, ये वैल्यूज आपने रख दी, और अपॉन में N यानी ये वैल्यू है N की, और N1T1 + N2T2 की वैल्यूज आपके पास है ये, तो P1V1 + P2V2 ये वैल्यूज रखने के बाद आपके पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज द राइट वन। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। एक कार्नो साइकिल ऑपरेट्स एज अ हीट इंजन बिटवीन 2 bodies ऑफ इक्वल हीट कैपेसिटी अंटिल देयर टेम्परेचर्स बिकम इक्वल।
जब तक उनका टेम्परेचर इक्वल हो जाए. इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडीज आर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी फर्स्ट वाला जो है ज्यादा गर्म है, सेकंड वाला ठंडा है, देन देयर कॉमन फाइनल टेम्परेचर इज, तो उनका कॉमन फाइनल टेम्परेचर होगा. देखो वैसे तो ये ट्रिक है कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, कार्नो साइकिल की बात हो रही हो और जो दो टेम्परेचर है उनके बीच में कोई हीट इंजन काम कर रहा हो जो कि कार्नो हीट इंजन हो गया, ऑब्वियसली कार्नो साइकिल की बात हो रही है, तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर की जब भी बात होती है तो उसका आंसर हमेशा यही आना है, अंडर रूट T1 T2. दो टेम्परेचर दे दिए, कार्नो इंजन की बात हो रही हो और आपसे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर पूछ ले, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू दे दे, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, आंसर यही आना है. लेकिन ये आंसर आया कैसे ये मैं आपको बता देती हूं. फॉर हीट कार्नो इंजन द चेंज इन एंट्रोपी फॉर सोर्स एंड सिंक, देखिए ds इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी विच इज डी इंटीग्रल dt अपॉन t, और ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है वो हो गया t1 से tf, पहले फर्स्ट वाली जो प्रोसेस है वो फर्स्ट वन टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक गई होगी, तो log tf अपॉन t1, एंड ds2 सेकेंड में क्या हुआ होगा, इंटीग्रल t2 टू tf dt अपॉन t, यानी log tf अपॉन t2. टोटल एंट्रोपी चेंज ds1 प्लस ds2 दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दिया. सिंस कार्नो इंजन इज रिवर्सिबल इन नेचर, कार्नो इंजन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है नेचर में, और मैंने आपको बताया था कि जब एडिशन हो लॉग में तो वो इंटू में आ जाते हैं, तो जब ये इंटू में आएंगे तो टीएफ का स्क्वायर हो जाएगा और टी1 टी2 हो जाएगा जो कि इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब लॉग को इधर ले जाइए, टीएफ स्क्वायर इक्वल्स टू टी1 टी2 एंड टीएफ इक्वल्स टू अंडर रूट टी1 टी2. बहुत ईजी तरीका है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालने का, बट याद हमें ये रखना है कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी हो और आपको कार्नो हीट इंजन दे रखा हो और आपको फाइनल टेम्परेचर या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा. चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. When an ideal monoatomic gas is expanded adiabatically from an initial volume V0 to 3V0, its temperature changes from T0 to T, then the ratio T upon T0 is. एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, एडियाबेटिकली एक्सपांड होती है, इनिशियल वॉल्यूम V0 है, जब ये एक्सपांड होती है तो इसका वॉल्यूम 3V0 हो जाता है और टेम्परेचर का चेंज भी T0 से T हो जाता है. हमें जस्ट फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर का रेशियो पूछा गया है. देखिए आसान सा क्वेश्चन है, हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस की स्टेट इक्वेशन क्या होती है, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू के, या इसको टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू के, दोनों ही स्टेट इक्वेशन है. तो देखिए इसको काम में लेते हैं, TV0 की पावर गामा माइनस 1 TV0, ये क्या हो गया 3V0 हमें गिवन है की पावर गामा माइनस 1, यहां से T क्या हो गया आपके पास, इसको नीचे ले आइए, यहां पर इसको नीचे ले आए तो ये इक्वेशन बन गई, देखिए एक बार ध्यान से, ठीक है यहां से T इक्वल्स टू T0, V0 से V0 कैंसिल हो गया, 1/3 की पावर गामा माइनस 1. आइडियल मोनोटॉमिक गैस आपको दे रखा है जिसके लिए गामा होती है 5/3, जस्ट पुट द वैल्यू एंड द आंसर हियर कम्स इज 1/3 की पावर 2/3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. बहुत आसान क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है. ठीक है ये हम कर चुके हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. If one mole of a monatomic gas is mixed with one mole of diatomic gas, again a question of mixing. अभी मैंने आपको बताया कि जब mixing होती है तो number of moles add हो जाते हैं, volume add हो जाता है, internal energy भी add हो जाती है. तो CV, CP और gamma के साथ क्या होता है? तो चलिए इस question में देख लेते हैं. So if one mole of a monatomic gas is mixed with one mole of diatomic gas, the value of gamma for this mixture is, monatomic gas के लिए CV होता है ये, diatomic के लिए ये होता है, चलिए इनको CV1 और CV2 मान लीजिए. CV mixing क्या होगा, देखिए ध्यान रखिए इसका formula ये होगा, CV mixing का formula N1 CV1 plus N2 CV2
अपॉन एन वन प्लस एन टू, सी वी इस तरह से कन्वर्ट होता है। जबकि इंटरनल एनर्जी सिंपल ऐड हो जाती है, वॉल्यूम सिंपल ऐड हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स भी सिंपली ऐड हो जाते हैं, बट सी वी इस तरह से निकाला जाता है। फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सीपी निकाल लीजिए, सीवी प्लस आर, थ्री आर आ गया, गामा इक्वल्स टू सीपी अपॉन सीवी। अब तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, इजी हो गया ना, क्योंकि हमें सीवी का फॉर्मूला पता था, और अगर सीवी का फॉर्मूला पता हो तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। ये नेट जून 2017 में ही पूछा गया है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। ए बॉक्स सेपरेटेड बाय ए मूवेबल वॉल हैज टू कंपार्टमेंट्स फिल्ड बाय अ मोनाटॉमिक गैस ऑफ सीपी अपॉन सीवी इक्वल्स टू गामा। मोनाटॉमिक गैस है तो आपको सीपी सीवी और गामा की वैल्यूज पता है। इनिशियली द वॉल्यूम्स ऑफ टू कंपार्टमेंट्स आर इक्वल बट द प्रेशर्स आर 3P0 एंड P0 इनिशियली। When the wall is allowed to move, अब wall को हटाई दिया, the final temperature in the two compartments become equal. So the final temperature is. तो final temperature क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको कहीं भी adiabatic ऐसा word नहीं दिया है, या आपको Carnot cycle, Carnot engine ऐसा भी कुछ नहीं दिया है। तो हम फाइनल फॉर्मूला, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर क्या होगा उसको डेराइव करेंगे। देखिए वॉल्यूम जो होता है ऐड होता है, V1 प्लस V2 क्या हो गया अपना 2V हो गया, V2 क्या हो गया 2V माइनस 1 V1, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, तो PV1 की पावर गामा यानी फर्स्ट वाला वॉल्यूम, फर्स्ट वाले वॉल्यूम पर जो प्रेशर है P जो फर्स्ट वाला है दैट इज 3P0 रख दिया, जो सेकंड टाइम पे है PV2 की पावर गामा दैट इज P0V की पावर गामा। अब देखिए V2 की वैल्यू यहां से उठाकर रखिए यहां, और ये इसके बराबर चल रही है, डिवाइड करा इक्वेशन 1 को 3 से, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको आगे से आगे सॉल्व करते जाइए, ये माइनस वन है इसको इधर ले गए, प्लस वन आ गया, प्लस वन आ गया, पावर हटा दी, और यहां से सॉरी यहां प्लस वन आ गया, 2V अपॉन V1, V1 इक्वल्स टू 2V के, ये पूरी चीज अपॉन में आ गई, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें आपको ये V1 की वैल्यू पुट कर देनी है, ये V1 की वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, फाइनल टेम्परेचर P आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following statements concerning the coefficient of volume expansion? ये बच्चों नेट जेआरएफ दिसंबर 2017 में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के 3.5 मार्क्स मिल रहे थे, तो इतना इजी क्वेश्चन जून 17 में पूछा गया था। बार बार नहीं आते बट हाँ गेट में जरूर ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं अल्फा एंड के बोथ आर इंटेंसिव वेरिएबल, अल्फा इज इंटेंसिव के इज एक्सटेंसिव, अल्फा इज एक्सटेंसिव के इज इंटेंसिव, अल्फा एंड के बोथ आर एक्सटेंसिव। इसका आंसर होगा अल्फा एंड के बोथ आर इंटेंसिव, यानी ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। यहां अल्फा की और के की वैल्यू आप याद कर लीजिए, कंप्रेशन कॉन्स्टेंट्स हैं ये, अल्फा 1/V dV/dt, के इक्वल्स टू -1/V dP/dt, ठीक है, दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी। द वंडरवाल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज दिस, अगर 1 मोल गैस के लिए वंडरवाल इक्वेशन ये है, तो एन मोल ऑफ गैस सेम प्रेशर पी, वॉल्यूम वी और टेम्परेचर टी के लिए वंडरवाल्स इक्वेशन क्या होगी। इजी सा क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शंस लगभग सेम सेम से लग रहे हैं। इसका आंसर ए राइट आंसर होगा, एन मोल के लिए
यहां भी एन आएगा, यहां भी एन आएगा, यहां तो एन है ही, देखिए ये हो जाएगा पी, यहां आ जाएगा एन स्क्वायर, यहां एक एन आ जाएगा और यहां एक एन आ जाएगा, सिंपल एन मोल के लिए, तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए अच्छा क्वेश्चन है, गैट टीएफआर जस्ट बीआरसी बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ये नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 में आया हुआ है। द हीट कैपेसिटी सीवी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ मेटल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज एल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब, सीवी की वैल्यू है ये, वेयर एल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज, चार ऑप्शन है, एल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये यहाँ 3 यहाँ आ गया है जबकि इसके डिवाइड में है, बी एल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब, सी हाफ एल्फा टी प्लस 1 बाय 3 बीटा टी क्यूब, डी हाफ एल्फा टी प्लस 1 बाय 4 बीटा टी क्यूब। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, सीवी दे रखा है आपको, डीएस इक्वल्स टू क्या होता है हमें पता है, डी क्यू अपॉन टी, एंड डी क्यू क्या होता है सीवी डी टी, तो सीवी डी टी अपॉन टी, यानी सीवी की वैल्यू रखिए, सिंपल टी कट जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, और इसका कर दीजिए टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, ये वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, गैट में ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है, अलग अलग तरीकों से पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन नेट गैट बीआरसी अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टाइम पर पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका ए ही सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, और जो मैंने आपसे कल प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा था जो आपको करने के लिए दिया था उसका आंसर है ये, आप लोग देख लीजिएगा, तरीका देख लीजिए और अपना आंसर जरूर मिला लीजिएगा। 449.245 जूल पर केल्विन ये आंसर होगा कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था उसका, और आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है आपका ये, जरूर सॉल्व कीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, और प्लीज कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स टाइप कीजिए। एंड फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को और इससे पहले वाली सभी पीडीएफ को मैं अवेलेबल करवा रही हूँ आपके इसी के साथ एक लिंक में, आप वहां से अपने ड्राइव पर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, उस लिंक से ओपन करके आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में दे दिया है, आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, दैट इज kanup3643@gmail.com। ठीक है, तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।